मुंबई की कॉल आई है तो मुंबई आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सबा बाजी की तबीयत खराब है। तो मुंबई को जैसे पता चला है तो मुंबई कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, तो अब मुंबई आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल की है तो उन्होंने मुझे बोला कि सबा को बिल्कुल भी पता ना चले कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने उनको सरप्राइज़ देना है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से सामान लेकर आते हैं तो फिर मैं उनके लिए करूँगी कुकिंग, क्योंकि मम्मा भी बीमार हैं, सबा बाजी भी बीमार हैं, दोनों बीमार हैं और मैं और सानिया ही ठीक है। तो जितने भी काम हैं हम लोगों को ही करने पड़ेंगे, मतलब कि टोटली सफाई वगैरह भी मैं और सानिया ही कर रहे हैं, बर्तन वगैरह भी वॉश मैं और सानिया कर रहे हैं दोनों मिलके। तो आज मुझे कुकिंग वगैरह भी करनी होगी, मुंबई जो है बाहर का खाना नहीं खाते तो इसलिए अभी मैं कुकिंग करने लगी हूँ। तो जैसे कि मैं सोच रही थी कि मैं उनके लिए क्या पकाऊँ क्या ना पकाऊँ, क्योंकि मतलब सबा बाजी ठीक होती तो चलो सबा बाजी को पता होता कि मुंबई आ रहे तो वो मुझे बता देती, पर अब सबा बाजी को भी नहीं बता सकते कि मुंबई आ रहे हैं तो क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना उनके लिए कलेजी बना लूँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ की कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये सोच रही कि अभी मैं मार्केट जाती तो वहाँ से लेकर आती हूँ, तो चलो मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। जब मैं पकाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मैं सामान लेकर आ चुकी हूँ और अभी मुझे रस्ते में मुंबई की कॉल आ रही थी तो मैंने घर पे आके उनसे बात की है, तो वो यही कह रहे थे कि अभी उनके लिए निकल रहे हैं। तो जैसे कि 11:15 की उनकी फ़्लाइट है तो 2:20 पे शायद वो कराची एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। उनकी तबीयत ठीक होती तो हम लोग ज़रूर उनको लेने जाते, पर ये कि मुंबई सरप्राइज़ दे रहे हैं वरना तो हम लोग ज़रूर जाते। पापा भी घर पर नहीं है, पापा जॉब पर गए हैं, वरना पापा के साथ मैं और सानिया ज़रूर चले जाते हैं उनको लेने के लिए। तो ये कि हम लोग नहीं जा सकते उनको लेने के लिए, तो ये कि वो लोग जैसे ही आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे उनसे भी। और उससे पहले हम लोगों ने अभी कुकिंग करनी है, तो अभी मैं सामान लेकर आ चुकी हूँ। मैंने जैसे सामान रखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुंबई की फ़्लाइट कितने बजे की है और वो कितने बजे तक पहुँच जाएंगे। तो अभी सानिया सफाई कर रही है, तो अभी मैंने बर्तन वॉश करने हैं और उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाना है। तो सानिया को मैंने बोला कि प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दो, मुझे कलेजी वगैरह वॉश कर देना तो मैं खुद पका लूँगी। तो वो कह रही थी कि चलो ठीक है पहले मैं सफाई कर लूँ और उसके बाद मैं आपको कलेजी वॉश कर दूँगी। तो चलें ठीक है, अभी हम लोग मिलते हैं आपको जब मैं कुकिंग करूँगी। सैम कहाँ तक पहुँचा खाना? बहुत यार फ्रेंड, जैसे कि अभी मैं खाना बनाने लगी, हम लोगों ने अपनी सफाई वगैरह कर ली थी और मम्मी की भी कॉल आ चुकी है। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:00 और अभी हम लोग खाना बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बनाए थे काले चने जो हम लोग खा चुके हैं। अभी हम लोग जब मुंबई आएंगे तो जब हम लोग खाना खाएंगे तो वो हमारी होगी सेकंड शिफ्ट। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल कम खाना खाया है क्योंकि सबा बाजी को भी नहीं पता था। वो हम लोगों को यही कह रही थी कि तुम लोग इतनी रात को खाना क्यों बना रहे हो, तो हम लोगों ने यही कहा कि हम लोगों को ना रात को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है क्योंकि हम लोग रात को सोते हैं 5:00, तो हम लोगों को रात को भूख लग जाए। और फ्रेंड्स ये हमारी कलेजी है जो कि सानिया ने मुझे वॉश करके दी थी और मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों के प्याज ब्राउन हो रहे हैं, जैसे कि हमारा मसाला भून चुका है तो अभी मैं इसके अंदर कलेजी ऐड करने लगी हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड जैसे कि हम लोग अपनी कलेजी ऐड कर चुके हैं और अभी हम लोग इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और उसके बाद हम लोग इसको रख देंगे दम पे। बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड, जैसे कि सब कुछ खुद करना, कैमरा भी खुद पकड़ा हुआ है, कलर आप चेक करें और बताएं कि आप लोगों का दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा खाने का। मिलते हैं जब मुंबई आते हैं। हम लोग सामने ही है यार, क्या हो गया आप लोगों को? मुंबई कहीं देखे ना देखे, शबीर जरूर देखेगा, बस करो। फ्रेंड जैसे कि हमारे भाई आ चुके हैं तो हमारे मुंबई आप कुछ कहना चाहोगे हमारे फ्रेंड्स को? सिर्फ हेलो बोलोगे?
कुछ और भी तो बोलो, आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, आपने सरप्राइज दिया है, तो कुछ बोलना नहीं चाहोगे आप? इतने दिनों बाद आप आए हो, कितने दिनों के लिए आए हो? 15 दिनों के लिए। अच्छा चले ठीक है। फ्रेंड जैसे कि मुंबई हम लोगों के लिए चीज़ें लेकर आए हैं, तो सानिया ने आते सार मुंबई से मिलने के बाद उनका बैग खोल लिया था और अभी इसमें सारी चीज़ें निकालनी है जो जो वो हमारे लिए लेकर आए हैं। गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुंबई ये हेडफोन लेकर आए किसके लिए? साईं बाबा जी के लिए। और हैंड फ्री किसके लिए लेकर आए? और हैंड फ्री भी इसी के लिए लेकर। अपने कपड़े दिखाओ जो मुंबई आपके लिए। कपड़े भी दिखाती हूँ। और ये देखे गाइस, मुंबई ने हमारे को पैसे दिए। कितने हैं ये पाकिस्तानी? ये 5,000। 100 दिरहम दिए। और पाकिस्तानी कितने होंगे? 5,500। 5,500 ना, मेरे ख्याल से 5,000 होंगे मुंबई। चलो अभी नहीं, 65 के हिसाब से कर लो ना। अच्छा चलो जितने भी होंगे मुंबई, थैंक यू सो मच। आप कुछ भी नहीं लेकर आए, इसके लिए भी कोई मसला नहीं है। मुंबई कपड़े भी लेकर आए। सानिया ये क्या मुंबई आपके लिए लेकर आए? मुंबई मेरे लिए मेरे काम की चीजें लेकर आए, मेरे लिए डायरी लेकर आए, और मेरे लिए ये छोटे छोटे शैम्पू वो जो टॉप है आपकी वो दिखाओ। साबुन ओरिजिनल, साबुन भी है गाइस, साबुन भी वो जो ओरिजिनल उससे बना होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ये तो मेरा, ये देखो, और ये ग्रीन टी। ओ ग्रीन टी भी लाए। तुम्हारे लिए पेन भी लेकर आए। पेन जो है ना, ये वाला, ये पेन। यार ये तो मुझे चाहिए यार, सबको अपनी अपनी चीजें मिल रही है ना, चाहिए चाहिए नहीं। साइमा ये लेना। ऐ की कह देते, ले ले तू ले ले। यार दे सानिया, यार आई रिक्वेस्ट यू यार, मुझे दे दो यार ये टी शर्ट प्लीज। यार मैंने जिम ज्वाइन करना है यार, प्लीज मुझे दे दे प्लीज यार। मुंबई यार प्लीज इसको बोलो ना मुझे दे दे। ये वो लड़के गए, उसको मैंने कहा अपना निकाल सकते हैं। हाँ मुंबई कहता बैग इतने सामान रखो, मैंने कहा मेरा बैग पड़ा है। मुंबई सानिया को बोलो ना यार मुझे दे दे ये टी शर्ट। सानिया यार बोलो ना मुंबई इसको, दोनों मिल मिल के कर दे। यार मुंबई ये क्या कह रहे हैं? देखो आप लोगों के लिए मैंने चीजें लानी थी और ये इसने मुझे अर्जेंट बुलाया। मैंने ये देखो दाई की सिगरेट, बस सिगरेट ही पिला दो यार एक एक सबको। छोड़ो सारी बातें, पहले रोटी खा ले। मुंबई खाना खा लो यार, मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। और ये देखें गाइस, जल्दी में इसने बुला लिया लोगों को। मेरे लिए पेंस भी लेकर, वाओ ये वाला सबसे प्यार है। हाँ बहुत अच्छे है। टॉप दिखाओ अपनी, ये लो फांसी का सिर। फ्रेंड्स मैं आपको मम्मा से भी मिलवाती हूँ, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मम्मा रेस्ट कर रही थी, तो चलो अभी मम्मा उठी हैं तो मैं आपको मम्मा से भी मिलवाती हूँ। हेलो मम्मा, मुंबई या मेरे लिए पैनाडोल लेकर आए हो? हेलो मम्मा, मम्मा यार हमारे फ्रेंड्स को हाय तो करो। दुबई की है ना? चलो कोई बात नहीं मम्मी, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो तब ले आना। सानिया को तो फ्रेंड्स देखो कैसे चीजें संभाल रही है, समेट रही है अपनी। वाओ
जैसे कि अभी मुंबई खाना खा रहे हैं, मुंबई हम लोगों को भी कह रहे थे कि तुम लोग भी खा लो, हम लोगों को तो भूख ही नहीं लग रही, सुबह के 5 बजे मुंबई खाना खा रहे हैं। और मम्मा भी खा रही हैं खाना। सानिया तुम क्यों नहीं खा रही? सानिया तुम क्यों नहीं खा रही? मेरे हेडफोन के ऊपर ना मल मत मार लेना। सानिया तुम्हारे आवाज नहीं आ रही मुझे। मुंबई सालन कैसा बने? मुंबई हम लोगों ने चिकन वगैरह आपके लिए इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप चिकन खाते नहीं हो, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए कलेजी बना लें। ठीक है, चाय बना रही हूँ यार मुंबई के लिए। अच्छा, चीनी मैंने डाली नहीं। डाल चीनी। बन गई चाय? हाँ मुंबई चाय पी लो। गाइस अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और आप लोग मुर्गों की आवाज़ सुन सकते हैं अगर आ रही हैं तो। और अभी हम लोगों ने मुंबई के साथ बहुत ज़्यादा बातें की हैं, बहुत मज़ा, मतलब कि बहुत हम लोग चाय बहुत इन्जॉय की है। तो अभी चाय बनाई है जैसे कि आप लोगों ने देखा है, तो अभी हम लोग अपनी चाय इन्जॉय कर रहे हैं। और ये रही साइमा भाजी। फ्रेंड्स जैसे कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं और अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी हम लोग चाय पीने के बाद हम लोग सो जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को हम लोग बाय कर दें। तो अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय।